सुनो, चलो कुछ मजेदार बनाते हैं, तो चलो मेरे साथ। नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरिएंडर कोकोनट रायता सुनने में बड़ा अजीब अटपटा लगता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। ये रायता खाने का एक नया अंदाज हमें देता है, तो चले ये नए अंदाज का रायता बनाना हम शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम देंगे 1 छोटा चम्मच तेल, देंगे जीरा 1 छोटा चम्मच, देंगे 2 हरी मिर्च और डंठल के साथ 1 मुट्ठी में धनिया पत्ता दे रही हूँ, इसे हम चला लेंगे। पत्ता पूरी तरह से सिकुड़ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, ठंडा करके इसे पीस लेते हैं, इसकी महीन पेस्ट कर लेते हैं। इसे अभी निकाल लेती हूँ और मिक्सर के बर्तन में डाल देती हूँ। अब ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा होने के बाद मैं इसे पीस लूँगी। तो मैंने पीस लिया है, पेस्ट कर ली है इसकी। अभी हमें चाहिए दही, मैंने 200 ग्राम दही लिया है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, फेंट लिया है, कोई भी लम्स नहीं है इसमें। अब हम इसमें देंगे जो हमने धनिया पत्ता पीस के रखा था वो देंगे, और देंगे गीला नारियल 2 चम्मच। गीले नारियल को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है। 1 चम्मच नारियल के छोटे छोटे टुकड़े में दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। रायते को हमें तड़का देना है, तो तड़का पैन में हम देंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होते ही देंगे राई। राई देने के बाद हम देंगे चुटकी भर हींग और सूखी लाल मिर्च। अब ये तड़का हम रायते में देंगे। तड़का हमने रायते में दे दिया है। एक बार तड़के को मिलाते हुए मैं इसे अभी परोस लूंगी और इसका मजा मैं चावल रोटी के साथ या उपमा के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। थोड़ा सा ऊपर हम नारियल देंगे हल्का सा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ ये रायता आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।